नंबर 11 में ओसी में चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोड फंड पढ़ने वाले हैं हम, अभी तक ओनर्स फंड पढ़े थे। बोरोड फंड में डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर, टेक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या, अगर कंपनी को और ज्यादा कैपिटल चाहिए जो ओनर्स फंड से सेटिस्फाई नहीं होती तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इश्यू करेगी। डिबेंचर कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए। डिबेंचर है कंपनी के लिए लायबिलिटी है, जो बंदा डिबेंचर खरीदता है वो डिबेंचर होल्डर कहा जाता है और वो कंपनी का क्रेडिटर, राइट। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उसको पहले से जो प्री डिसाइडेड राइट होता है इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट पे करा जाता है। तो वो डिबेंचर होल्डर की इनकम है इंटरेस्ट। जब डिबेंचर इश्यूज करे जाते हैं तब ट्रस्टीज अपॉइंट करे जाते हैं, और ट्रस्टीज का काम क्या है, वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी। और वो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी मतलब डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच कंपनी को टाइम पे इंटरेस्ट मिले, उसके पैसे ना डूबे, ऐसे कुछ डील्स होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड। तो ट्रस्ट डीड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से जो डिबेंचर होल्डर में से एक बंदा ट्रस्टी बना होगा वो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ऑन सबके बिहाफ में कंपनी के साथ बातचीत करेगा, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, देयर आर सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। उसमें पहला है क्रेडिटर ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए, डिबेंचर होल्डर को कंपनी उसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगी, और जब डिबेंचर का टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा, तब डिबेंचर होल्डर को कंपनी पैसे भी वापस करती है, राइट। तो इसे बोलते हैं क्रेडिटर ऑफ कंपनी। सर एक पीरियड कितना होता है, जनरली 10 साल या 20 साल या 30 साल का होता है। जब डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है तब पहले से ही बोला जाए कि 10 साल के बाद ए तारीख को ए डिबेंचर मैच्योर हो गए तब डिबेंचर होल्डर को पैसे मिलेंगे, राइट। तो डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। नंबर 2 फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है तब पहले से ही बोल देती है कि ए डिबेंचर के ऊपर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले से ही डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। नंबर 3 चार्ज ऑन असेट। अब देखो डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर कंपनी को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो कंपनी उसके बदले में अपनी कुछ असेट गिरवी रखती है या फिर उसके ऊपर बर्डन क्रिएट करती है कि देखो डिबेंचर होल्डर्स को बोलती है कि देखो ये हमारी जो कंपनी का एक प्रॉपर्टी है वो आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए गिरवी रखते हैं, जब कंपनी डूब जाएगी और आपके पैसे आपको अगर नहीं मिलते तो ये असेट बेच के आप अपने पैसे ले सकते। तो कंपनी के ऊपर, कंपनी के असेट के ऊपर चार्ज भी क्रिएट होता है, डिबेंचर का ये सबसे बड़ा फायदा है। नंबर 4 नेसेसिटी। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस की जो नीड है वो सेटिस्फाई करता है, तो कंपनी के लिए डिबेंचर एक नेसेसिटी। नंबर 5 रजिस्ट्रेशन एक स्टॉक, रजिस्ट्रेशन एक स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर को हमें मार्केट में परचेस सेल करना है, ट्रेडिंग करना है, उसकी प्राइस बढ़े और वापस से सेल परचेज ऐसा सब हो तो डिबेंचर होल्डर को कंपल्सरी कंपनी में अपने डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। नंबर 6 रीपेमेंट। जब भी डिबेंचर मैच्योर हो जाते हैं तब उसका पेमेंट कंपनी की ओर से करा जाता है। उसके अलावा अगर कंपनी डूब जाती है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को और फिर इक्विटी होल्डर को, राइट। तो डिबेंचर होल्डर को पैसे पेमेंट करने में, रीपेमेंट करने में प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे पहले उसे ही करे जाते हैं, क्योंकि वो क्रेडिटर है। नंबर 7 फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पेमेंट। मैंने आपको जैसे बोला कि डिबेंचर होल्डर कंपनी की क्रेडिटर है, तो जब भी कंपनी डिजोल्व होगी, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को ही पेमेंट करा जाएगा, उसके बाद बाकी सब, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर जिस डिबेंचर के बदले में कंपनी अपने असेट के ऊपर चार्ज रेज करती है, मतलब जिस डिबेंचर के बदले में कंपनी अपने असेट गिरवी रखती है वो सिक्योर डिबेंचर बोले जाते हैं, क्योंकि इस डिबेंचर के पैसे कभी डूबने के चांसेस है ही। कन्वर्टेबल डिबेंचर, मैंने आपको बोला जनरल डिबेंचर 10, 20 या 30 साल के मैच्योरिटी डेट पे इश्यू करे जाते हैं। तो अगर डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच ऐसी डील हुई है डिबेंचर परचेस करते वक्त कि अगर
डिवेंचर होल्डर ऐसा चाहे तो 10 साल के बाद हमारे डिवेंचर है वो डिवेंचर को डिवेंचर ना रखते हुए उसको शेयर्स में कन्वर्ट करना, तो ऐसे डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं, राइट। 10 साल के बाद कंपनी के डिवेंचर के बदले में डिवेंचर होल्डर के पास क्या आ जाएगा, शेयर, और डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन जाएंगे, उसको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको अब डिविडेंड मिलेगा, राइट। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब इसमें ऐसी कोई गुंजाइश होती नहीं है, जब डिवेंचर मैच्योर हो जाते हैं तो उसके अमाउंट वापस मिल जाती, उसे शेयर में कन्वर्ट करा जाता नहीं, पैसे वापस मिल जाते, अब डिवेंचर होल्डर का और कंपनी का कोई रिश्ता रहता नहीं, तो इसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो शेयर में कन्वर्ट हो गए नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिपोजिट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द डे।